कि ये अटल भरोसा अटल भरोसा प्यारे खाली ना जाएगा। आप विश्वास लेकर बैठो और ये काम ना करे ये हो ही नहीं सकता साहब। अगर खाटू में आज 40-40 घंटे की लाइन लगती है तो उसका कारण है विश्वास, जो जीता है उसने। गाओगे एक बार सारे मिलकर कहो कि ये अटल भरोसा प्यारे खाली ना जाएगा। ये अटल भरोसा खाली ना जाएगा। क्यों? तू राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा। तू राम नाम का हनुमान आएगा। राम आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं दे सकता। आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। और नहीं आएगा क्यों? क्योंकि उसने आने का ठेका बजरंगबली को दिया हुआ है। मैंने कहा ना राम के नाम से कोई और आए ना आए हनुमान जरूर आता है। एक बार गाइए सारे मिलकर क्या कि ये अटल भरोसा प्यारे खाली ना जाएगा। ये अटल भरोसा किस किस को भरोसा है हाथ उठाओ एक बार बिल्कुल सीधे हाथ बिल्कुल सीधे और झूम कर कहो बाबा से के बाबा तू राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा। तू राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा। विश्वास किसी पर और किसी का विश्वास ताली बजाकर ताली बजाओ ना। एक एक शब्द सुनना। एक अटल भरोसा ही था सीता को प्रभु भक्ति पर। एक अटल भरोसा ही था सीता को प्रभु भक्ति पर। और प्रभु को भी था भरोसा हनुमत की उस शक्ति पर। और प्रभु को भी था भरोसा हनुमत की उस शक्ति पर। एक अटल भरोसा ही था सीता को प्रभु भक्ति पर। एक अटल भरोसा ही था सीता को प्रभु भक्ति पर। और प्रभु को भी था भरोसा श्री हनुमत की शक्ति पर। और प्रभु को भी था भरोसा श्री हनुमत की शक्ति पर। चाहे लाख बड़ा हो हनुमान आएगा। चाहे लाख बड़ा हो
धर्मपत्नी को भरोसा था अपने स्वामी की शक्ति पर, स्वामी को अपने से कहीं ज्यादा भरोसा था अपने भक्त की शक्ति पर। दोनों हाथ उठाओ ना, दोनों हाथ उठाओ। ये हाथ सिर्फ उठाना हनुमान को सम्मान देने के लिए और कुछ नहीं। एक बार राम राम की ताली बजाकर प्रेम से, एक दो तीन चार, सुनिएगा। प्रभु नाम, ताली बजा, प्रभु नाम का सुमिरन ही तो विभीषण करता आया, प्रभु नाम का सुमिरन ही तो विभीषण करता आया। उस सुमिरन के बल पर ही हनुमान को सम्मुख पाया, उस सुमिरन के बल पर ही हनुमान को सम्मुख पाया। ताली बजाओ। पूरी लंका में सिर्फ एक राम भक्त था, कौन कौन? हनुमान सात समंदर लांग कर लंका पहुंच तो गए, पर लंका पहुंचने के बाद हनुमान के आगे सबसे बड़ी टेंशन एक थी। बोले यार, इतनी बड़ी लंका में मां को ढूंढू कहां के रावण ने छुपाया कहां है। अब उसके लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान भी होना चाहिए विश्वसनीय जो पुख्ता जानकारी दे सके। रात के अंधेरे में हनुमान ने पूरी लंका घूम ली, और पूरी लंका में घूमने के बाद अंत में एक झोपड़ी के बाहर जाकर कदम रुक गए। जय हो। किसकी थी झोपड़ी? कदम क्यों रुके हनुमान के जानते हैं आप? झोपड़ी को देखकर नहीं, उस झोपड़ी के बाहर जो लिखा था उसे देखकर कदम रुक गए। ताली बजाओ ना। झोपड़ी के बाहर लिखा था जय श्री राम, जय श्री। हनुमान ने सब सोच लिया कि कोई ना कोई राम भक्त इस राक्षसों के बीच में भी रहता है। भोर का समय विभीषण उठे, और उठते ही मुंह से निकला जय श्री। बजरंगबली ने दरवाजा खटखटाया, विभीषण ने जैसे ही दरवाजा खोला सामने हनुमान को खड़े देखा, चरण पकड़ लिए, बोले आज जीवन सफल हो गया। ताली बजाओ ना। जय हो। बोले आज हनुमान मेरे दरवाजे पर। हनुमान ने कहा, बोले ये हनुमान का प्रताप नहीं है, ये आपकी झोंपड़ी के बाहर लिखे हुए जय श्री राम का प्रताप है। ताली बजाओ ना। आज तो हम फैशनेबल हो गए, घर के बाहर भगवान का नाम लिखवाने में शर्म महसूस होती है हमें। बोले यार, शो बिगड़ जाएगा। आप कभी पुराना जमाना याद कीजिए, अगर आपको याद है दादा परदादाओं के, जब हम कहीं रहा करते होंगे कच्चे घरों में, पुराने लोग हमेशा अपने घर के बाहर जय श्री राम या कोई ना कोई प्रभु का नाम लिखकर जरूर रखते थे। उसका कारण कुछ और नहीं, उसका कारण यही था कि जहां भी कोई प्रभु प्रेमी उसे देखे वो आपका दरवाजा खटखटा दे, क्योंकि प्रभु प्रेमी के रूप में प्रेमी नहीं, सच्चाई यह है कि स्वयं प्रभु आते हैं साहब। ताली बजाओ ना। जय हो। ताली बजाकर एक बार सुनिएगा। प्रभु नाम का सुमिरन ही तो विभीषण करता आया, प्रभु नाम का सुमिरन ही तो विभीषण करता आया। उस सुमिरन के बल पर ही हनुमान को सम्मुख पाया, उस सुमिरन के बल पर ही हनुमान को सम्मुख पाया। हर सच्चे भक्त का प्रभु से, हर सच्चे भक्त का प्रभु से, हर सच्चे भक्त का प्रभु से, हर सच्चे भक्त का प्रभु से मिलन कराएगा। राम का सुमिरन कर हनुमान आएगा, राम राम का सुमिरन कर हनुमान आएगा। हर सच्चे भक्त का प्रभु से, हर सच्चे भक्त का प्रभु से, हर सच्चे भक्त का प्रभु से, हर सच्चे भक्त का प्रभु से मिलन कराएगा। राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा, राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा।
हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। आज मिलना कौन कौन चाहता है राम से? हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, श्री गुरु चरण से। हनुमान सिर्फ भक्त नहीं है, अगर मानो तो हनुमान से बड़ा गुरु भी संसार में पैदा नहीं हुआ है। गुरु की डेफिनेशन क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। रामायण में कई लोग ऐसे हैं साहब, जिन्हें अगर हनुमान का सहारा ना मिला होता तो उन्हें कभी राम ही ना मिला होता। जय हो। सुग्रीव सारा जीवन जंगलों में भटकता रहता अगर हनुमान राम के पास ना लाता। अंगद हनुमान लाया, और सबसे बड़ा उदाहरण विभीषण। अगर राम ने विभीषण को अपनाया तो उसका भी कारण कोई और नहीं बल्कि हनुमान था। और अगर आपको प्रभु की भक्ति चाहिए तो हनुमान के बिना संभव नहीं है भाई। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर, प्रेम से ताली बजाकर, एक दो तीन चार। प्रभु से योग कराए, योगी सुमिरन की युक्ति तेरा प्रभु से योग कराए। खुद रामायण भी भक्तों हरि नाम महत्व बताए, खुद रामायण भी भक्तों हरि नाम महत्व बताए। योगी सुमिरन की युक्ति तेरा प्रभु से योग कराए, योगी सुमिरन की युक्ति तेरा प्रभु से योग कराए। रामायण भी भक्तों हरि नाम महत्व बताए, खुद रामायण भी भक्तों हरि नाम महत्व। इस पावन नाम, इस पावन नाम सहारे, इस पावन नाम सहारे, इस पावन नाम सहारे, इस पावन नाम सहारे, के इस पावन नाम सहारे तू भव पार जाएगा। जय हो। भक्ति का दाता हनुमान, पर मुक्ति का दाता मेरा राम। मुक्ति मिल सकती है पर हनुमान की कृपा के बिना नहीं मिल सकती साहब। के इस पावन नाम सहारे तू भव पार जाएगा। जय हो। पर शर्त है, तू राम नाम का सुमिरन कर हनु, हो तू राम नाम का। दोनों हाथ उठा लो, और कोई नाम नहीं सूझता इसे, कोई भी नाम, किसी का भी पुकारो नहीं आएगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर राम नाम की ताली बजा दो, आज आ जाएगा। और ताली बजाकर कहोगे क्या, तू राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा, तू राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा।